हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम टू स्टडी फॉर करियर। तो दोस्तों, इस वीडियो में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है अधिगम, इसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी टेट एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको तभी समझ में आएगा जब आप वीडियो को कम्प्लीट देखोगे। और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अनअकैडमी पर भी फॉलो कीजिए। तो शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो टॉपिक है अधिगम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग, और सीखना भी इसे कहते हैं। देखिए, अधिगम का अर्थ होता है सीखना। एक ऐसा प्रोसेस है जो कंटिन्यू चलता रहता है। एक क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आता है कि अधिगम जो है, सीखना जो है, कैसी प्रक्रिया है। तो ये सतत प्रक्रिया है, मीन्स कंटिन्यू है, क्योंकि व्यक्ति जो है जन्म के तुरंत बाद से ही वो सीखना शुरू कर देता है, है ना। जब बच्चे का जन्म होता है तभी से वो सीखना शुरू कर देता है, जिसके द्वारा हम कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं सीखने के द्वारा, और जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। लर्निंग इज चेंज ऑफ बिहेवियर। ओके, तो लर्निंग से क्या होता है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन होते रहते हैं। लेकिन एक चीज़ और, अगर आप किसी विषय वस्तु को, अगर आप किसी पैडागोजी को रटते हो, तो वो आपकी लर्निंग नहीं होगी। अगर आप मीन्स पैडागोजी को आप क्या करते हो, रटते हो, है ना, रट लेते हो और फिर उसको रटकर याद करते हो, तो वो आपकी लर्निंग नहीं होगी। क्योंकि लर्निंग होती है जब आप उसको समझकर आत्मसात कर लेते हो, अर्जित कर लेते हो। अधिगम के बाद जब व्यक्ति खुद को और दुनिया को समझने के योग्य हो जाता है ना, तो उसे कहते हैं लर्निंग। उसको आप आत्मसात कर लेते हो, उससे आपके व्यवहार में परिवर्तन शुरू हो जाते हैं, वो आपकी होती है लर्निंग। लेकिन रटकर विषय वस्तु को याद करने को अधिगम नहीं कहा जा सकता। क्लियर। एक पॉइंट और है, देखिए, सभी बच्चे क्या होते हैं, स्वभाव से ही सीखने के लिए प्रेरित रहते हैं। मीन्स उनमें जो सीखने की क्षमता होती है बहुत होती है, कि हम ये भी सीख लें, वो भी सीख लें। तो बच्चे जो हैं बहुत प्रिपेयर्ड होते हैं सीखने के लिए, लेकिन उनके लिए ज़रूरी है कि वो मानसिक रूप से तैयार हों। जब तक वो खुद मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगे, तब तक वो कुछ भी सीख नहीं सकते। ओके, एक क्वेश्चन निकल कर आता है सीखने में, कि जो क्या सीखना जो है स्कूल में ही सीखा जा सकता है। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सीखना एक पर्टिकुलर जगह पर ही हम सीख सकते हैं। नहीं, स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगह पर सीखने की जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है, है ना। दोनों जगह पर ही हम सीख सकते हैं। और अगर हम कहीं भी जा रहे हों, फेयर में जा रहे हों, या कोई फंक्शन है, हर जगह हम सीख सकते हैं, हर नॉलेज हम गेन कर सकते हैं। कहीं से भी हमें नॉलेज मिले, हम उसको गैदर कर सकते हैं। ओके, तो सीखना क्या होता है, एक मेंटल प्रोसेस है, जिसमें बच्चा जो है परिपक्वता की ओर बढ़ता हुआ, मीन्स मैच्योर होता हुआ, अपने अनुभवों से जो भी उसने प्रीवियस में जो एक्सपीरियंस लिए हैं उससे लाभ उठाता हुआ, मीन्स लाभ उठाता है, मैच्योर होता हुआ अपने एक्सपीरियंस से लाभ उठाता है, और वह अपनी स्वाभाविक व्यवहार अनुभूति में प्रगतिशील परिवर्तन परिमार्जन करता है। क्लियर। और ये जो प्रक्रिया होती है जीवन पर्यंत तथा सर्वत्र चलती रहती है, मीन्स कंटिन्यू चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि सीखना आप एक टाइम पर रोक सकते हो, नहीं, क्योंकि सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो जीवन पर्यंत, जब तक मृत्यु नहीं होती है, मृत्यु पर्यंत तक ये चलती रहती है प्रक्रिया सीखने की। ओके, आगे बात करते हैं इसकी जो महत्वपूर्ण परिभाषाएँ हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वुडवर्थ ने जो परिभाषा दी है कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। नवीन ज्ञान मीन्स नया ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है क्या कहलाती है, सीखने की प्रक्रिया। और ये जो कथन दिया है वुडवर्थ ने, क्रो एंड क्रो ने कहा है कि सीखना जो है आदतों, ज्ञान और अभिवृत्ति का अर्जन है। किसने दी है ये परिभाषा, क्रो एंड क्रो ने। गिलफोर्ड ने कहा है कि व्यवहार के फलस्वरूप व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन आना ही सीखना अथवा अधिगम है। कि जब भी हम कुछ सीखते हैं तो हमारे व्यवहार में जो चेंजेस आता है उसे ही हम कहते हैं सीखना। ठीक है, नेक्स्ट है गेट्स व अन्य। तो इन्होंने ये परिभाषा दी है कि अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही। देखिए, जब हम किसी कार्य को करते हैं और हम उसका एक्सपीरियंस लेते हैं, हम ट्रेनिंग अगर हम उसकी लेते हैं, तो उसके द्वारा हमारे व्यवहार में अल्टीमेटली चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं सीखना। और ये किसने कहा है, गेट्स ने। स्किनर की परिभाषा है कि प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अधिगम की विशेषताओं की। देखिए, अधिगम की जो विशेषताएं हैं वो हैं कि सीखना जो है सार्वभौमिक है, कि सीखना सभी के लिए उपलब्ध होता है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं सीख सकता या दूसरे वाला व्यक्ति नहीं सीख सकता है, तो मीन्स सीखना सभी के लिए उपलब्ध होता है।
सीखना जो है संपूर्ण जीवन पर्यंत चलता है, कंटिन्यू प्रोसेस है। और इससे क्या होता है, सीखने से डेवलपमेंट होता है, सीखना विकास है, सीखना परिवर्तन है, सीखने से हमारे व्यवहार में परिवर्तन होते हैं और सीखने से हम मीन्स अनुकूल किसी भी सिचुएशन के प्रति हम एडजस्ट हो जाते हैं, उसी के प्रति अनुकूल, उसी के अनुकूल हम कार्य करते हैं। तो सीखना जो है अनुकूल है। सीखना अनुभवों का संगठन है। सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है। सीखना सक्रिय है, मीन्स सीखना जो है एक्टिव है, व्यक्तिगत और सामाजिक है, इंडिविजुअली और सोशल, है ना, दोनों ही हैं हमारे सीखना। और सीखना जो है वातावरण की उपज है, इन्वायरमेंट से हम सीखते हैं, आसपास का कैसा इन्वायरमेंट होगा। और सीखना क्या है, खोज करना है। जब भी आप खोजते हो, अगर आपको सीखना है तभी आप खोज करोगे। अगर आपको किसी के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप उसके बारे में अन्वेषण करोगे, खोज करोगे, उससे क्या होगा, आप सीख रहे हो। गूगल पर आप सर्च करोगे, यूट्यूब पर आप सर्च करोगे किसी के भी विषय में, तो इसका मतलब है आप सीख रहे हो। तो सीखना क्या है, खोज करना है। क्लियर? तो ये अधिमुखी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं ये सीखने को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए बहुत जो फैक्टर हैं वो लर्निंग को इफ़ेक्ट करते हैं, और ऐसे कौन से कारक हैं, कौन सी दशाएं हैं जो सीखने की प्रक्रिया में सहायक होती हैं या बाधक सिद्ध होती हैं, तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो है विषय सामग्री का स्वरूप। देखिए सीखने की क्रिया पर सीखी जाने वाली जो विषय सामग्री होता है उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। अगर डिफ़िकल्ट या जिसका अर्थ ही बच्चों को समझ में ना आए, है ना, तो क्या बच्चे सीख सकेंगे? अगर उनको डिफ़िकल्ट लैंग्वेज समझ में ना आए, तो इसी वजह से बच्चों के लिए इजी और अर्थपूर्ण सामग्री जो है बच्चों के लिए प्रोवाइड करनी चाहिए, जिससे बच्चे जो हैं अधिक शीघ्रता से और सरलता से सीख सकें। तो विषय वस्तु जो है होती है वो बहुत इफ़ेक्ट करती है, इसी वजह से इजी होनी चाहिए। जो विषय सामग्री होती है वो बच्चों के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है बालकों का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। देखिए अगर बच्चे फिजिकली और मेंटली सही होंगे, स्वस्थ होंगे, मीन्स जो बच्चे शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ होते हैं तो उनमें सीखने में रुचि होती है और वे जल्दी सीखते हैं। अगर बच्चा फिजिकली और मेंटली स्वस्थ नहीं होगा तो ना ही वो सीखने में रुचि ले सकते हैं और ना ही वो जल्दी से सीख सकते हैं, क्योंकि उनमें प्रॉब्लम रहती है। तो बालकों का फिजिकली और मेंटली सही रहना, स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। सीखने की इच्छा, देखिए बहुत ज़रूरी है। जब तक आपने आप में सीखने की इच्छा ही नहीं होगी तो क्या आप सीख सकोगे? यदि छात्रों में किसी बात को सीखने की इच्छा ही नहीं है कि मुझे ये कार्य करना है और मेरी डिज़ायर है कि मैं इसको सीखूं, तो वे क्या करेंगे, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उसे सीख लेंगे। अगर बच्चे जो हैं, अगर उसके अकॉर्डिंग वो सिचुएशन नहीं भी है लेकिन बच्चे की इच्छा है कि वो काम करेगा, तो वो क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग अगर वो सिचुएशन नहीं भी होगी तो भी उस कार्य को वो करेगा। तो सीखने की जो इच्छा होती है बहुत डिपेंड करती है लर्निंग पर। नेक्स्ट है प्रेरणा, मीन्स मोटिवेशन। देखिए सीखने की प्रक्रिया में जो मोटिवेशन मिलता है, अगर आप कोई बच्चे को मोटिवेट कर रहे हो कि बच्चा सीखे, तो बहुत इफेक्ट करता है। मीन्स प्रेरक जो होते हैं, मोटिव जो आप उनको देते हो बालकों को नई बातें सीखने के लिए, आप उसको प्रोत्साहित करते हो, तो प्रेरणा जो होती है बच्चा शीघ्रता से कर सकता है अगर आप उनको थोड़ा सा मोटिवेट कर सको, है ना। परिपक्वता, देखिए मैच्योरिटी जो है, अगर फिजिकली और मेंटली मैच्योरिटी बच्चे में नहीं होगी तो वो क्या करेगा, नए पार्ट को सीखने के लिए वो उत्सुक नहीं होगा, क्यूरियोसिटी उसमें नहीं होगी अगर वो मैच्योर नहीं होगा, मीन्स फिजिकली और मेंटली मैच्योर, तो वे सीखने में कठिनाई का अनुभव करते हैं अगर वो मैच्योर नहीं होंगे। तो इसी वजह से मैच्योरिटी जो है अगर बच्चे में हो जाती है, शारीरिक और मानसिक परिपक्वता वाले बच्चे जो होते हैं वो नए लेसन्स को भी सीखने के लिए वो तत्पर रहते हैं, क्यूरियोसिटी अपनी दिखाते हैं, उत्सुक रहते हैं, और वे सीखने में जो है कठिनाई का अनुभव भी वो नहीं करते। ओके, सीखने का उचित वातावरण। देखिए सीखने का उचित वातावरण क्या है, सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो न केवल कक्षा के अंदर, बिल्कुल मतलब बाहर भी जो है उसका इन्वायरमेंट सही होना चाहिए। देखिए कक्षा के बाहर का जो वातावरण है, है ना, वो एकदम शांत होना चाहिए। मींस अगर कंटिन्यू शोर होता रहेगा तो बच्चों का जो ध्यान है वो, अगर वो कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो उससे हट जाता है, है ना। मींस अगर आप बाहर बच्चों को पढ़ा रहे हो और बाहर डीजे बज रहे हैं, सॉन्ग प्ले हो रहे हैं या कोई भी फंक्शन हो रहा है, तो बच्चे का ध्यान उसी तरफ जाएगा। तो इसी वजह से बच्चे का जो ध्यान है कक्षा में तो हाँ होना ही चाहिए, बिल्कुल समृद्ध प्रिंट उनको परिवेश उनका होना चाहिए सिखाने के लिए, लेकिन बाहर भी अगर बच्चों को आप पढ़ाते हो तो ऐसा शांत माहौल क्रिएट होना चाहिए कि बच्चे जो हैं उनका ध्यान केंद्रित सिर्फ एक्टिविटी पर हो, दूसरी जगह ना हो। तो सीखने का जो उचित वातावरण है बहुत इफ़ेक्ट करता है सीखने को।
नेक्स्ट है सीखने व सॉरी अध्यापक व सीखने की प्रक्रिया। देखिए अध्यापक की प्रक्रिया में पथ प्रदर्शक के रूप में शिक्षक का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। उसके कार्य है बच्चे का मीन्स टीचर का जो भी कार्य बच्चा टीचर करता है उसके विचार उसका बिहेवियर उसकी पर्सनालिटी उसके नॉलेज टीचिंग मेथड जो यूज़ करता है वो छात्रों के सीखने पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है डायरेक्ट रूप से इफेक्ट करती है। तो अध्यापक व सीखने की जो प्रक्रिया होती है बहुत इफेक्ट करती है लर्निंग पर। नेक्स्ट है सीखने की विधि। देखिए मिस बच्चों को किस तरह से सिखाना है कौन कौन सी विधि कौन कौन से मेथड यूज़ कर रहे हैं बहुत इफेक्ट करता है। सीखने की विधि का संबंध स्टूडेंट और सब्जेक्ट दोनों से होता है और कौन सी विधि जितनी ज़्यादा मीन्स जो विधि जितनी ज़्यादा रुचिकर उपयुक्त होगी मतलब बच्चे जो हैं उतनी जल्दी सीखेंगे। और प्रारंभिक कक्षाएं जो होती हैं उनको प्ले वे मेथड से खेल के माध्यम से और करके सीखना मीन्स लर्निंग बाय डूइंग विधियों से बच्चों को सिखाना चाहिए। और जो उच्च कक्षाएं होती हैं उनमें पूर्ण विधि होल मेथड कलेक्टिव मेथड सामूहिक विधि जिसको कहते हैं कोरिलेशन मेथड सहसंबंध विधि का प्रयोग करके बच्चों को सिखाना चाहिए बहुत इफेक्ट करता है। ठीक है तो ये है सीखने को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा जो है सीखने की प्रभावशाली विधियाँ। तो बच्चों इसको भी आप ध्यान से देख लीजिए। देखिए सीखने की प्रभावशाली विधियाँ जो हैं हम जो इफ़ेक्टिव मेथड्स जो यूज़ करते हैं। देखिए किसी नई क्रिया या किसी पाठ को पढ़ाते समय आप डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हो और इनमें से केवल कुछ ऐसी ही विधियाँ हैं जो मनोवैज्ञानिक को ने प्रयोग किया है और बहुत इफेक्टिव पाई गई है। तो वो हम एक कर करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली है करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग। एक मनोवैज्ञानिक है डॉक्टर मेस इन्होंने कहा है कि स्मृति का स्थान मस्तिष्क में नहीं वरन शरीर के अवयवों में है। यही कारण है कि हम करके सीखते हैं मीन्स इन्होंने कहा है कि जितना हम करेंगे उतना हम हमारी जो हाथ चलेगा आंखें कान नाक जो है मीन्स उनको ज्ञानेंद्रिय जिसको आप कह सकते हो मीन्स निष्कर्ष के रूप में अगर मैं कहूँ तो ज्ञानेंद्रिय उनकी विकसित होती हैं। उनसे क्या होता है जब आप करते हो उन एक्टिविटी को करते हो तो आपका मस्तिष्क लगता है जब आप सोचते हो है ना। तो बच्चों को जब आप करके उनको सिखाओगे तो ये बहुत इफेक्टिव विधि है लर्निंग बाय डूइंग कि बच्चे करके सीखते हैं कोई भी कार्य जो वो खुद करेंगे। नेक्स्ट है निरीक्षण करके सीखना ऑब्जर्वेशन के द्वारा सीखना लर्निंग बाय डूइंग। मनोवैज्ञानिक है योकम एवं सिंपसन इन्होंने कहा है कि निरीक्षण सूचना प्राप्त करने आधार सामग्री एकत्र करने और वस्तुओं तथा घटनाओं के बारे में सही विचार प्राप्त करने का साधन है। मीन्स देखिए जब बच्चे को डाटा कलेक्ट करना होता है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है घटनाओं के बारे में अगर उसको सही विचार करना है तो वो क्या करेगा ऑब्जर्व करेगा उसके बारे में निरीक्षण करेगा आसपास की घटनाओं के बारे में आसपास की सिचुएशन को वो देखेगा और उसको ऑब्जर्व करेगा है ना निरीक्षण करेगा। तो ये बहुत इफेक्टिव विधि है सीखने की। नेक्स्ट है परीक्षण करके सीखना मीन्स एक्सपेरिमेंट करके सीखना लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंटिंग। तो देखिए अगर हम नई बातों की खोज करते हैं तो वह एक प्रकार का सीखना होता है मीन्स बच्चे जो हैं इस खोज को परीक्षण द्वारा कर सकता है और परीक्षण के बाद ही जब बच्चा एक्सपेरिमेंट कर लेता है तो किसी कंक्लूजन पर निकलता है किसी निष्कर्ष पर निकलता है तो ये बहुत इफेक्टिव है। नेक्स्ट है सामूहिक विधियों द्वारा सीखना लर्निंग बाय ग्रुप मेथड। देखिए मनोवैज्ञानिक है कॉल्सनिक इन्होंने कहा है कि बच्चों को प्रेरणा प्रदान करने उसके शैक्षणिक लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता देने उसके मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाने उसके सामाजिक समायोजन को अनुप्रमाणित करने या उसके व्यवहार में सुधार करने उसको आत्मनिर्भर बनाने सहयोग की भावना का विकास करने के लिए अगर हम इंडिविजुअली मेथड यूज़ करते हैं उसकी कंपैरिजन जो है सामूहिक विधियाँ कहीं अधिक जो है इफेक्टिव होती हैं। सबसे पहली जो हमारी विधि है सामूहिक विधि में वो है एक वाद विवाद विधि डिस्कशन मेथड अगर ग्रुप में डिस्कशन किया जाए। एक है वर्कशॉप विधि दूसरी है सम्मेलन मीन्स विचार गोष्ठी विधि और चौथी है प्रोजेक्ट मेथड डॉल्टन मेथड या बेसिक मेथड जो होते हैं वो भी एक सामूहिक विधि के ये हैं जिससे बच्चे जो हैं परस्पर अंतःक्रिया करती हैं मीन्स उनमें सहयोग की भावना विकसित होती है उनका जो है बिहेवियर में करेक्शन होती है मोटिवेशन उनको मिलता है। तो ये जो है सामूहिक विधियों द्वारा सीखना है। नेक्स्ट है मिश्रित विधि द्वारा सीखना मीन्स लर्निंग बाय मिक्स्ड मेथड। देखिए सीखने की दो महत्वपूर्ण विधियाँ हैं पहली है पूर्ण विधि जिसे कहते हैं होल मेथड
और दूसरी है आंशिक विधि, जिसे कहते हैं पार्ट मेथड। देखिए होल मेथड से अगर आप समझ सकते हो मीन्स पूर्ण विधि, मीन्स इसमें क्या करते हैं, पहले बच्चों को अगर पाठ्य विषय का पूर्ण ज्ञान दे दिया जाता है, होल नॉलेज उनको दे दी जाती है, उसके बाद उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसके बारे में उनको बताया जाता है, मीन्स पूर्ण से अंश की ओर। और आंशिक विधि में क्या करते हैं, पार्ट विधि में क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं उनको खंडों में मीन्स पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, फिर उसके आधार पर उसको क्या करते हैं, उनको नॉलेज देते हैं। तो अगर हम उन दोनों विधियों को मिला देते हैं तो यही हमारी क्या कहलाती है, मिक्स्ड मेथड, मिश्रित विधि कहलाती है। ओके, नेक्स्ट इज सीखने की स्थिति का संगठन। देखिए सीखने के कार्य को इजी और सक्सेस बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि सीखने की स्थिति का संगठन, और ये तभी संभव हो सकता है जब विद्यालय का जो निर्माण है उसका जो क्रिएट इस तरह से किया जाए कि उसमें सीखने की सभी क्रियाएं, सभी एक्टिविटी उसमें उपलब्ध हो और सीखने की सभी विधियों का प्रयोग किया जाए। तो इस तरह से सीखने की स्थिति का संगठन जो है इफ़ेक्टिव है और तभी ये सक्सेस हो सकती है। तो डियर यही था आज का टॉपिक सीखना, सब कुछ मैंने आपको इसमें क्लियर कर दिया है। कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब राखा, जय भोलेनाथ।